आप रिलायंस को भी क्लोजली ट्रैक करते हैं, रिलायंस पे आज दो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। मैक्वायरी कहता है और इनफैक्ट उन्होंने डाउनग्रेड किया रिलायंस को, 2100 का टारगेट दिया उन्हें, लगता है कि अब जेएफएस तक का बड़ा ट्रिगर था जो रिलायंस पर देखना चाहिए था और वहां उस ट्रिगर के बाद आपको बहुत बड़ा टैक्टिकल कैटलिस्ट नहीं दिखता। पर एट द सेम टाइम नोमुरा हो, इनफैक्ट यूबीएस हो, लास्ट वीक उन्होंने भी कहा था कि अभी भी मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, इनफैक्ट वैल्यू अनलॉकिंग इनके रिटेल बिजनेस से देखने को मिल सकती है, प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग दिख सकती है। रिलायंस को इस पर कैसे प्ले करना चाहिए? I think one should keep it simple. According to me, I think the prospects of the companies, if at all anything, I think is only brightening. एक नजरिए से बात करते हैं, इन करंट मार्केट प्राइस के अंदर अगर आप सम ऑफ द पार्ट की वैल्यू रखें तो रिलायंस रिटेल का जो कारोबार है उसकी वैल्यू करीबन 1200 रुपये के आसपास आती है, जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू करीबन 600 रुपये के आसपास आती है, रिन्यूएबल का कारोबार जो है उनकी वैल्यू करीबन 300 रुपये के आसपास आती है। तो जो बैलेंस सम लगभग 550 के आसपास का जो बैलेंस सम बचता है, 550 के आसपास का जो बैलेंस सम बचता है, ये अमाउंट ओटीसी बिजनेस के लिए जुड़ जाता है। मेरे ख्याल से ओटीसी बिजनेस का जो एसओटीपी वैल्यूएशन है वो करीबन 1200 रुपये का है एंड रिलायंस का ओटीसी बिजनेस करीबन आज की तारीख में 550 रुपये के अंडर दिस सम ऑफ द पार्ट कैलकुलेशन इज अवेलेबल। आई कैन नॉट डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई थिंक वेयर एग्जैक्टली द नेगेटिविटी इज बीइंग सीन हियर। On the contrary, I feel that O2C business is going to grow big from here. क्योंकि करीबन लगभग 60,000 करोड़ का EBITDA contribution ये business में से आता है, which is significantly large. And every year, with a higher amount of oil and gas production also happening simultaneously, यहाँ पे लगभग 10% से 15% के आसपास का growth आने की एक संभावना है. At the same time, margins जो है refining segment के अंदर, because of the change in the feedstock, they are actually sustaining and they are, I think, remaining steady. As compared to the fluctuating margin of many other commodity refining companies. So, मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस के लिए काफी हद तक एक एडवांटेज गिना जाना चाहिए। पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर की जो बिजनेस है उनके अंदर कंटिन्यूसली एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक द वे इन विच आई थिंक वी आर मूविंग अहेड विद द कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लास्टिक एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलीमर्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट बिजनेस इज ऑल्सो स्टेडीली ग्रोइंग। तो ओटूसी बिजनेस का वैल्यूएशन 550 रुपये का रहना is out of context. I think it is not possible. Maybe I think somewhere market will have to get adjusted to the reality and you will start seeing the better price for O2C business. Rest of the businesses are proven. So I think as and when they get demerged, particularly retail or Jio platform, वहाँ पे आपको demerger के साथ में जैसे Jio financial के अंदर आपको price देखने को मिला, वो price I think यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। So I remain particularly convinced about the business model and I would like to keep it simple. There is nothing which is called, I think, downgrading on this particular stock. On the contrary, I think this stock deserves to be re-rated on upside.